शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शकों नमस्कार, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लेकर हो रही है कई ऐसी घटनाएं जिसके चलते ट्रक मालिक हो, ड्राइवर हो या ट्रक से संबंधित कोई भी ऐसी बात हो या परिवहन का विभाग हो, आरटीओ हो या हो चेक पोस्ट या हो के साथ, मेरा सबसे पहला सवाल गुरबीर सिंह गोरा साहब को। गोरा साहब, ड्राइवरों के साथ जिस प्रकार पर गाली गलौज की जाती है, उनकी तोहिन की जाती है, इसलिए नई जो पीढ़ी है वो कोई भी इस ट्रक लाइन में ड्राइवर बनने के लिए कतई तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये बताइए कि जो ट्रक ड्राइवर नहीं बनेंगे तो गाड़ियां कौन चलाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में जिस प्रकार से ये काफी बहुत बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है, इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा, क्या कहना चाहोगे गोरा साहब? सर, इसका सीधा सीधा जिम्मेवार तो सरकार ही है, वो चाहे इंडिया की रहे, गडकरी साहब के पास भी साहब इसके मुद्दे के लिए हम कई बार जा चुके हैं, और जो खुली छूट दे रखी है आरटीओ को जगह जगह पे, चेक पोस्ट, पुलिस बार बार एक एक दो दो घंटे में जैसे अपन रोकना ड्राइवर को, बदतमीजी से पुलिस का पेश आना उनका बेचारों का, पहले ही वो दिन रात चल चल के देश की सेवा करते हैं जी। हाँ जी, तो जो ये ड्राइवरों का सर नए पीढ़ी इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहती, यही कारण है। अब हमारे बच्चे जो नई पीढ़ी है पढ़ाई कर करके अच्छी डिग्री लेके विदेशों में जाके ट्रक चलाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में नया ड्राइवर मेरे जो आज से 2-4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, नई पीढ़ी बिल्कुल ही ड्राइवरी लाइन में नहीं आ रही। कारण उसका यही है क्योंकि उसको हर जगह परेशानी झेलनी पड़ती है, बदतमीजी से पेश आते हैं, पुलिस हो या आरटीओ या आम पब्लिक भी उसकी बिल्कुल ही इज्जत नाम की कोई चीज नहीं ड्राइवर की सर। बिल्कुल, क्योंकि ड्राइवर को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और उनकी काफी तोहिन हो रही है, उनके गरिमा को ठेस पहुंच रही है। हर कोई सब कुछ उसे सहन कर सकता है लेकिन तोहिन कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाभिमान हर किसी को होता है, चाहे वो ड्राइवर हो या देश के प्रधानमंत्री हो या देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन ड्राइवर के साथ जिस प्रकार से ये कामकाज किया जा रहा है, सभी तबकों में इसकी घोर निंदा की जा रही है। मेरा अगला सवाल रजनीश पांडे साहब आपसे है। पांडे साहब, ये बताइए कि जिस तरह मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत आने वाला हनुमाना में जो TSI है, उनके माध्यम से खुली लूट वहां पे होती हुई नजर आ रही है, ड्राइवरों को फिर से वही मुद्दा मैं बताना चाहूंगा कि ड्राइवरों के साथ गाली गलौज की जाती है, अवैध तरीके से वसूली की जाती है, इतने नहीं तो जब 4 पहिया हो या 10 पहिए वाली जो गाड़ी जो होती है, जो वाहन जब चलता है तो 1500 रुपए हर माह उनसे एंट्री फीस ली जाती है। पांडे जी, मेरा सवाल ये है, क्या इस तरह से अवैध तरीके से 1500 रुपए हर माह जो एंट्री ली जाती है वो कितनी कारगर साबित होती है, कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? सर ये तो गलत है भाई, अवैध वसूली इसको बोली जाती है जी। और अवैध वसूली लेकर के, और अभी हाल में ही एक हफ्ते पहले वहाँ हनुमन्ना के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संगम लाल सोनी के ऊपर ब्रांड घातक हमला किया गया, उनका दोनों हाथ तोड़ दिए TSI के गुंडों ने और सर फोड़ दिए उनको, मतलब रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थे 3 दिन तक। एक पत्रकार है सरोज गुप्ता जी, सरोज गुप्ता जी के साथ मारपीट किए, और वहां चेक पोस्ट में जितने बैठते हैं ड्यूटी में सरकारी कर्मचारी, TSI सिपाही और रक्षक, 8 बजे के बाद सब नशे के हालत में रहते हैं सर। मैंने अभी TC साहब से बात भी परसों किया था कि सर इस तरह की घटना है और इसकी जांच कराई जाए, मेडिकल कराई जाए, और बोले इसके लिए मैं 15 दिन का समय लेता हूं और 15 दिन के अंदर ही कार्यवाही करूंगा।
अभी हाल में ही एक रीवा की गाड़ी परसों 9:44 में खड़ी हो गई और वहां बोला गया कि भाई गाड़ी अगर कांटे से निकल आई ओके है तो इसको क्यों रोका गया, तो बोले एंट्री देंगे तभी गाड़ी जाएगी। फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि थाने में जाओ और एक आवेदन दो। वहां गए तो वहां एक लेडीज आरक्षक थी, वो बोली कि अगर आप लोग इस तरह के बात करेंगे तो मैं परिवहन विभाग के तरफ से FIR कायम कर दूंगा। जो लड़के गए थे तो हमारे पास फोन लगाए कि ऐसी ऐसी घटना है, हमारे रीवा जिला के SP साहब जो हैं उनसे मैंने बात किया फोन लगा करके कि सर ऐसी ऐसी घटना है, आवेदन लेने में इनकार कर रही हैं आरक्षक वहाँ मैडम कोई, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि वहाँ आवेदन ले लिया जाए और मेरी गाड़ी जो मेरे रीवा के मोटर मालिक है उनकी गाड़ी खड़ी है उनको छुड़वाया जाए। SP साहब ने वहां बात की और बात करके थाने में बोले आवेदन लिए, TC साहब ने बोले आप व्हाट्सएप में गाड़ी नंबर मैसेज कर दीजिए और मैं गाड़ी छुड़वाता हूं। तो सर TC साहब से कितने मोटर मालिक गाड़ी छुड़वा सकते हैं, जो जानकार है पढ़ा लिखा है वही बात कर सकता है, हर आदमी तो बात कर नहीं सकता है। और ये सर लूट जो हो रही है इसके लिए मैं चाहता हूँ तो इसको बंद कराया जाए, किसी भी तरह अवैध एंट्री वसूली बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अवैध एंट्री की वसूली जो है पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ऐसा रजनीश पांडे साहब का मानना है, रजनीश पांडे साहब का कहना है। और जिस तरह से पांडे जी ने जो एक जानकारी दी, बहुत ही जबरदस्त ऐसी जानकारी दी है कि नशे के हालत में वहां पे गुंडों का है आतंक मगर पुलिस प्रशासन का नहीं है ध्यान, क्या यही है लोकतंत्र? और इस तरह के कामकाज हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है, पुलिस के नाक के नीचे में जिस प्रकार से ये काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जीने वाले ऐसे ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक मालिक हो या इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति के साथ में एक बहुत बड़ी उसकी तोहीन है। पुलिस प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। अब क्या पुलिस गुंडों का साथ देगी? गुंडों के ऊपर में अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन होता है। जब पुलिस प्रशासन काम करता है तब सामान्य व्यक्ति, सामान्य आम आदमी घर में महफूज होता है, आराम की सुकून की जिंदगी जीता है, रात की नींद ले पाता है। मगर अफसोस कि जिस प्रकार से ये जो कामकाज हो रहा है, गुंडों को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है ऐसी बातों से प्रतीत होता है, और अच्छे लोगों को ये लोग पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस प्रकार का आरोप अब तक के जितने पैनलिस्ट यहाँ पे आए हुए उन सभी लोगों ने कहा है, जिसमें इसी श्रृंखला में पांडे जी ने भी ये बात कही है। इसके ऊपर में पुलिस प्रशासन गौर फरमाइए, परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जो जो इसमें जिनका जिनका जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को न्याय देना चाहिए, यही समय की मांग है। अब मैं फिर से एक बार रुक करना चाहूंगा हमारे गुरबीर सिंह के मोबाइल में। पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं वन बाय वन सबसे बात करने वाला हूँ, समय भी अपने को ध्यान में रखना है, अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप खुल के उत्तर दीजिएगा, ये मंच आपका है। सबसे पहली बात है चैनल का ये मंच आपका है, पूरा भारत वर्ष आपको गौर से देख भी रहा, सुन भी रही है, लाइव प्रोग्राम शुरू है। सर मेरा दूसरा सवाल गुरबीर सिंह गोरा साहब आपसे ये था, सर जहां करप्शन की बात होती है, अगर उदाहरण के तौर पे जैसे हमने आपसे बात की, आपने ये बताया कि दिल्ली से जब ट्रक निकलता है तो वो बेंगलोर की ओर यदि जाना रहता है तो इसमें तकरीबन 12 से 15 चेक पोस्ट और RTO इन तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जैसे कि MP की बात करें तो 4 चेक पोस्ट का जिक्र आपने किया, UP की आपने 3 से 4 चेक पोस्ट होने की बात की, RTO होने की बात की, 2 महाराष्ट्र का भी नाम आपने लिया, तेलंगाना का भी नाम आपने लिया, RTO और 15 के आसपास जो चेक पोस्ट है इनके जो कामकाज है, ये क्या भ्रष्टाचार मुक्त है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, क्या कहना चाहोगे? सर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दे रहे हैं बिल्कुल। एक तो गाड़ी जैसे निकलती है हर जगह चेक होना, ये तो कोई जायज नहीं है। 2 घंटे बाद गाड़ी चेक होना, 2 घंटे बाद गाड़ी को फिर वही बार 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 RTO को रोकना, और एक तो गाड़ी का टाइम खराब होना, कम से कम भी इतने लंबे सफर में 24 15 से 20 घंटे तो गाड़ी को
बॉर्डरों पे ही रुकना पड़ता, बॉर्डर तो जो लगे हुए चेक पोस्ट तो है ही है, रस्ते में ट्रैफिक वाला कहीं रोक लेगा उसको 2 घंटे वहां खराब कर देगा एंट्री के लिए, कहीं पुलिस वाला रोक लेगा, तो बार बार ड्राइवरों को रस्ते में चेक पोस्ट है, लूट पोस्ट बने हुए सर, चेक पोस्ट नहीं है लूट पोस्ट है, तो बार बार गाड़ी चेक करने का ये रीजन नहीं समझ आया, दो दो घंटे में गाड़ी की क्या कमी निकल रही है, और कमी निकल रही है तो पीछे से क्यों छूट किया जाती है, वहां क्यों नहीं चलान किया जाता, अरा जो रोकता है उसको आदमी को यही बोलता है चलान करेंगे इसका भैया तुम्हारे को, तुम्हारे पास ये कागज नहीं है, कागज होने के बावजूद कुछ ना कुछ धमकी दे के ड्राइवर को परेशान किया जाता है एंट्री लेने के लिए, अब ड्राइवर बेचारा 2-3 घंटे खड़ा होता है, आखिरकार मालिक भी बोलता है भैया देख अगर कुछ देता तो देख के निकल जा, अब गाड़ी कम से कम भी इसमें गाड़ी वाले का एक तो डीजल का लॉस होता है, देखो गाड़ी खड़ी होगी इंजन बलता है, हजारों लीटर बेवजह इंजन गाड़ी का बलता है खड़ी होने से, जैसे लंबे लंबे चेक पोस्टों पे जाम लगते हैं, 3-4 घंटे गाड़ी चालू रहना बिना वजह से ही, तो मेन सबसे मेन इशू एक ही है कि सर इसमें जो एंट्री और करप्शन है, और प्लस ये इससे महंगाई का बढ़ावा ही मिलता है, कम तो नहीं होती, कम से कम भी जैसे बेंगलोर जाएंगे तो 10 से 12 हजार की एंट्री गाड़ी वाले को देना पड़ता, ईंधन तो बलता ही बलता है, ये पूरा असर पब्लिक पे ही जाएगा सर, क्योंकि गाड़ी वाला तो कहां से लाएगा, कहीं ना कहीं भाड़ा बढ़ा के लेगा उसका, अगर सीधा पब्लिक पे पड़ेगा सर तो इससे और गुरु साहब ये बताए कि यदि पैसा किसी ने नहीं दिया तो पैसा नहीं देने के बाद में उसके ऊपर में क्या एक्शन ली जाती है, एक्शन का मतलब है उनके ऊपर में किस प्रकार से प्रताड़ना उनकी की जाती है सर, वही बदतमीजी से पेश है ना, हर जगह उन्होंने प्राइवेट गुंडे पाल रखे सर, हर जगह पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आपको प्राइवेट आदमी नहीं मिलेंगे, अगर अपन उनको बोलने जाएंगे, हमने हर जगह खवासा देखा, महाराष्ट्र देखा, सवेरे महाराष्ट्र पे गाड़ी रोकी मेरी, मैंने ड्राइवर को बोला 100 नंबर पे कॉल करो, 100 नंबर पे फोन नहीं लग रहा, 3-4 घंटे गाड़ी तो मतलब खड़ी रही, आखिरकार ड्राइवर बोलता जी मेरे से तो फिर 200 रुपए ले लिए उन्होंने, ऐसे हर जगह परेशान, जो 2-3 घंटे ड्राइवर को परेशान रहना पड़ता, भूखा रहता परेशान पहले रहता बेचारा, गाड़ी चला चला के थका रहता, कोई घर बार तो उसका बेचारे का रहता नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता, ऊपर से जब बदतमीजी से पेश आते हैं तो वो भी कहां तक सहन करना पड़ता है भैया, वो आके कर बेचारा एंट्री देके वो अपने जान छुड़ाता, क्या जी सर बिल्कुल, और इस प्रकार का ये कामकाज चल रहा है, और एक तरफ देश के वजीर आजम कहते हैं कि पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश भ्रष्टाचार मुक्त तभी होगा जब आपके परिवहन विभाग से लेके चेक पोस्ट से लेके आरटीओ से लेके और इन ट्रक ड्राइवर को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, पैसे की इतनी लूट की जा रही है कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से ठंडा गिर जाता है, कहने का मतलब है कि उस पूरा कमजोर हो जाता है, मानसिकता उसकी कमजोर होती है, शारीरिक वो कमजोर होता है, पैसे से भी वो कमजोर होता है, ऐसे में उस आदमी का जीवन संवर्धन कैसे होगा, कैसे मनोबल बढ़ेगा, इसके लिए सरकार ने प्रयास करना ये बेहद जरूरी है, कुछ इस तरह का काम होना चाहिए, यही तमाम तमाम लाखों ट्रक ड्राइवर और लाखों की संख्या में ट्रक मालिकों की ये मांग सरकार की ओर है, सरकार अब इन मांगों को दरकिनार करता है या उनको तवज्जो देके ऐसे बेईमान करप्टेड करप्शन करने वाले आरटीओ हो चेक पोस्ट हो इन अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कुछ अगर कानून में कुछ बदलाव करना है कुछ अमेंडमेंट करना है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे ही क्लॉज रहेंगे तो इन लोगों का जीना दुर्भर होगा, ये लोग ढंग से जी नहीं पाएंगे और इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, फिर ऐसी प्रकार के काम चलते रहेंगे, और एक दिन वो आएगा कि फिर ट्रक के पहिए जगहों पे रुक जाएंगे, और हो सकता है कि इतिहास में कभी कभार इस देश से ट्रक चला करते थे ऐसी हेडलाइंस आएंगी, अगर वो नहीं करना है तो देश के वजीर आजम आप खुद इस ओर ध्यान दे, क्योंकि यदि आप ध्यान दोगे तो ही काम बनेगा। मेरा अगला सवाल गोरा साहब, बार बार ये बात हम करते, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहोगे आप? सर नहीं, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिल रही सर, हमने कितनी बार तो गडकरी साहब के पास जा चुके हैं और एमपी के ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास जा चुके हैं सर, सुविधा कहीं सुविधा नाम की कहीं से भी चीज नहीं है सर, उनका गडकरी साहब का तो कई बार यही कहना है इनसे अभी 1-2 महीने रुक जाओ, देखना अभी इनको रेड पढ़वाएंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड बोल के टाइम निकाल देते हैं,
तो लेकिन हो जा कुछ नहीं रहा सर, सिर्फ परेशानी बढ़ रही है और कुछ नहीं है सर। बिल्कुल सर, सिर्फ एंट्री 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 बस, लूट पोस्ट लूट पोस्ट सर बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं पंडित जी अभी आपके पास आना चाहता हूँ। जी सर। सर परिवहन मंत्री ने तो लेकिन 30 सितंबर 2020 तक के कोई भी गाड़ी के कागजात की चेकिंग नहीं की जाएंगी ऐसा कहा है, जिसके अंदर लाइसेंस हो, परमिट हो, टैक्स हो, फिटनेस हो, ये तमाम जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनकी चेकिंग नहीं की जाएगी ऐसा बताया गया है। क्या में इन ये जो बातें है, जो चेकिंग नहीं करने की बात परिवहन मंत्री जी साहब ने कही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कागजात चेक हो रहे नहीं हो रहे, क्या उनके बातों का पालन हो रहा या फिर हो रहा है उल्लंघन, क्या कहना चाहोगे पांडे साहब? उनके आदेशों का कोई पालन नहीं हो रहा है जी, सिर्फ सिर्फ वसूली हो रही है सर। आप पैसा दे दीजिए, पेपर आपके पास है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए। और प्राइवेट लड़के रख करके सरकारी चेक पोस्ट बैरियल, आपका हनमना हो, खवासा हो, कोई भी हो, वहां पे 10 से 15 प्राइवेट लड़के रहते हैं। अच्छा, उनको ये रोजगार दिया गया है गुंडागर्दी करने का? जो TSI आते हैं सब उनके लड़के रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहेंगे, कोई मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का है, यही रह करके सर मतलब अपने देखभाल और लूट के लिए रखा जाता है जी। तो क्या इसमें परिवहन मंत्री और सरकार ने प्राइवेट लड़कों के लिए अलाउ किया है? ये मैंने 20 बार वहां आवाज उठाया और पूछा तो बोले लड़के हम अपने सुरक्षा के लिए रखे हैं, आपसे इससे क्या मतलब? अच्छा। चलिए ठीक है, सुरक्षा के नाम पे जिस प्रकार से कामकाज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और गुंडों की मदद से, गुंडे कहने चाहेंगे जो इस प्रकार की जो धमकियां देते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं और मारपीट पे जो उतारू होते हैं उन्हें वो गुंडे नहीं तो और क्या है। और ऐसे गुंडों के ऊपर में अंकुश लगाना यह सरकार का काम है, जनता को न्याय देना, सपोर्ट करना, ये भी सरकार का काम है। मैं फिर से एक बार रुक करना चाहूंगा गुरवीर सिंह गोरा साहब के पास। गोरा साहब, मुझे ये बताएं कि चालान काटना, धमकी देना, अब ये आम बात हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? सर देखो, चालान अगर गाड़ी एक बॉर्डर से गुजर गई, एक जगह से गुजर गई है, या तो वहां से ही ना निकले अगर चालान की धमकी, लेकिन ड्राइवर को बार बार परेशान मेन धमकी दे के जो रोक लेना ड्राइवर को, चाहे तो चालान काट ही दो भैया, इतनी गाड़ी निकल रही है, सब गाड़ी एक नियम से निकल रही है, अगर हमारी गाड़ी कोई प्रॉब्लम है उसमें तो किसी गाड़ी भी ओके नहीं हो सकती, लेकिन उनको रोक के चालान काट देंगे बोल के, चाहे तो ऑनलाइन चालान काट दो भैया, किससे पूछना तुमने अगर गाड़ी में कमी है? चालान काटेंगे भी नहीं, रोक के भी रखेंगे, जिसकी वजह से रोकेंगे ड्राइवर परेशान होगा 2-3 घंटे, और परेशान होकर आखिरकार उसको एंट्री देके ही जाएगा, चालान कोई काटेंगे नहीं, तो चालान काटेंगे अगर तो कोई भी गाड़ी उसमें चालान के बगैर वहां से निकल नहीं पाएगी। बिल्कुल जी, उदाहरण ये बताते ना सर, एक भी गाड़ी बॉर्डर से क्रॉस नहीं हो सकती। जी सर बिल्कुल। पंडित साहब आप ये बताएं कि गेट पास, ये भी एक करप्शन का एक पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ करप्शन, और कुछ ऐसे फंडे ये लोग इस तरह के जुटाते हैं कि मानो विषय यानी कुछ भी करो लेकिन ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवरों के जेब से पैसे कैसे ईटे जा सकते हैं, कैसे उनकी लूट की जा सकती है और कैसे एक्सटॉर्शन किया जा सकता है, और ये डकैत नहीं तो इन्हें क्या कहेंगे, ये मेरा एक मुद्दा है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि गेट पास का बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्या, क्या लगता है? गेट पास प्राइवेट प्रेस में छपता है, ना तो उसमें सरकारी कोई सील लगी रहती है, ना तो सरकारी कोई उसमें नंबर रहता है, कई सरकार की तरफ से जैसा चालान नंबर होता है उस तरह उसमें नंबर होना चाहिए, कुछ भी नहीं रहता है, वो अपने तरफ से गेट पास छपवाते हैं 10 चक्के गाड़ी के लिए, कलर चेंज करके नीला पीला इस तरह का कलर रहेगा,
अगर 10 चक्का गाड़ी है तो उससे 1500, 12 चक्का है तो 2500, 14 चक्का है तो 3500, इस तरह के कलर वाई कलर गेट पास बनवा करके। और इसका मैंने सवाल भी एक बार किया कि गेट पास कौन इशू किया, अगर शासन की तरफ से गेट पास है तो इसमें सील होना चाहिए, क्रमांक होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो गेट पास इशू कौन किया श्रीमान जी मुझे जानकारी दे दीजिए, तो कोई जवाब ही नहीं दिए। बिल्कुल, वो सवाल का जवाब कैसे देंगे जब जवाब उन्हीं के पास तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह से पांडे साहब और कुछ कहना चाहोगे इस टॉपिक को लेकर? सर भ्रष्टाचार में तो बहुत सारी चीजें हैं सर, अब परिवहन विभाग में मतलब आपके कार्यालय से लेकर के और सारे चेक पोस्ट जी, इसी तरह के करप्शन में बिल्कुल अंधेर गर्दी मचा चुके हैं। अब हम लोग अभी लेटरबाजी किए तो धमकियां आने शुरू हुई सर के मैं अभी जानते नहीं हो परिवहन विभाग के पास कितना पैसा होता है और आपको मतलब रीवा जिला में रहना है कि बस पेपरबाजी करके ऐसे ही रह लेंगे। तो हम कहो तो समय बताएगा सर, जब देखा जाएगा जो होगा, मगर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इन बातों को सलाम करता हूं, और मैंने तो बल्कि पूरे तमाम तमाम हमारे चैनल के लाखों लाखों दर्शक पूरे भारत वर्ष में जो जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन तमाम दर्शक आपको सलाम करेगा, क्योंकि इसी तरह से डेयरिंग से जियो और किसी भी किसी के सामने में गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग इस प्रकार की धमकियां देते रहेंगे मगर क्रांति भी हमें ही करना होगा। वे कितना भी धमकी दे, जो धमकी देता है वो खुद डरा हुआ होता है, ये सबसे बड़ी बात है। लोकतंत्र के मार्ग से हमें चलना है, हमें भी ऐसा कुछ अनुचित काम नहीं करना है या कोई भी ऐसी मारपीट किसी के साथ करना नहीं है। हम हमारे जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी के स्तर पर हमें चलना है, कानून का पूरा सम्मान करना है, कानून को हमें हाथ नहीं लेना है, जो कानून को हाथ में लेता है उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन कामकाज यकीनन करेगा। आज भले ही समय उनका लग रहा हो लेकिन वो समय उनका नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का समय काफी कम होता है, क्योंकि कितने दिन तक वे लोग इस प्रकार का काम करेंगे, क्योंकि आखिरकार कोई ना कोई बड़ा भाई भी उनको मिल जाता है और उनके कामकाजों को रोका जा सकता है। मेरा आखिरी के सेगमेंट में आखिरी का सवाल गोरा साहब से यह है, गुरबीर सिंह साहब गोरा जी, मेरा आखिरी का सवाल यह है कि कैश काउंटर धड़ल्ले से जारी है, कैश काउंटर अब तक के बंद नहीं हुए हैं, आरटीओ कैश नहीं लेगा ऐसा बार बार कहा जा रहा है, ऑनलाइन से पेमेंट होना चाहिए ये मांग बार बार हो रही है, उसके बावजूद ये कुछ भी कामकाज नहीं हो रहा है और कैश काउंटर बंद नहीं हुए है। आपको क्या लगता है, कैश काउंटर बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए या ऑनलाइन से पेमेंट करना चाहिए, क्या कहना चाहोगे आखिरी का सवाल? सर मेरा यही कहना है कैश काउंटर तो बिल्कुल बंद होने चाहिए, कहीं पे भी कैश काउंटर तो रहने नहीं चाहिए। अगर आपको गाड़ी का चलान काटना है तो ऑनलाइन चलान काट दीजिए, क्योंकि अगर चलान कट गया एक बार गाड़ी का तो उसको मालिक को तो उसका पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो आपको उसमें कैश काउंटर लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका चलान गाड़ी का कटा हुआ तो नए डॉक्यूमेंट उसको इशू नहीं होंगे जितनी देर वो चलान नहीं करेगा। तुम ऑनलाइन चलान करो, गाड़ी को रुकने का भी कोई वो नहीं रहेगा, जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन अगर आपको गाड़ी में कमी दिख रही है तो उसका चलान काटो, लेकिन कैश की बार बार गाड़ियों के लंबी लंबी कैश के लिए लाइनें लगी हुई है, वही बहुत ओल होते हैं भैया 500 दे दो, 700 दे दो, 800 दे दो, टाइम खराब। तो ऑनलाइन सर चलान करो, ऑनलाइन अपनी पेमेंट करेंगे हम। एक तरफ तो मोदी जी बोल रहे डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया पर कैश बंद करें ना सर, हर जगह हमारे को पेमेंट हम ट्रांसफर अपना ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, माल लोड करते हैं, हमारे को पूरा ऑन अकाउंट पेमेंट आती है, तो हम इनको कैश कहाँ से दें? जब हमारे को अकाउंट में आ रही है तो हम अकाउंट में देंगे, इनको भी अकाउंट में लेना चाहिए पेमेंट, भी अलाउ अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं, तुम जितने चलान का। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि लेते रहेंगे सर, बिल्कुल ऑनलाइन से पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि कैश काउंटर पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ये काफी अच्छी बात इस समय में गुरबीर सिंह गोरा साहब और हमारे दूसरे मेहमान रजनीश पांडे साहब ने इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाला है। दर्शकों मैं आपको बता दूं
कि आने वाले दिन कोरोना वायरस से जितने खतरनाक नहीं है, कोरोना वायरस से तो हम लड़ सकते हैं और हम उसका वैक्सीन भी निकालेंगे, मगर आज अगर कोरोना वायरस से कोई खतरा है, कोई खतरनाक है, तो वो है ये लूट करने वाले आरटीओ चेक पोस्ट और परिवहन विभाग के अधिकारी, क्योंकि इनके ऊपर में मंत्री जी का कोई भी कंट्रोल नहीं है और अनकंट्रोल होने से फिर इस तरह के कामकाज हो रहे हैं। मैं फिर से एक बार गोरा साहब आपको आखिरी के 2 मिनट देना चाहूंगा, कुछ कहना चाहते तो आप कह सकते हैं। सर मेरा यही कहना है, प्रधानमंत्री जी का ही स्टेटमेंट था आज से 2-4 साल पहले कि ये चंबल के डाकू है, उनको सब मालूम है चंबल के डाकू, उनका स्टेटमेंट था सर। लेकिन चंबल के डाकुओं का इलाज क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ पे सर प्रॉब्लम फंस रही है। जो पता होने के बावजूद उनकी स्टेटमेंट, अगर चंबल के डाकू बोला गया उनको, तो कहीं तक कहीं कुछ तो पता होगा ना सर गडकरी साहब को भी। और गडकरी साहब का ही बयान था आज भी, मेरे ख्याल से कहीं से निकाल सकते हैं, गडकरी साहब का बयान था ये चंबल के डाकू है, इसलिए अपन चेक, बीच में ये भी आया था चेक पोस्ट बंद किए जाएंगे, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं चेक पोस्ट बंद हो रहे, चेक पोस्ट नहीं भी बंद करने हैं, कैश काउंटर मेन बंद कर दिए जाएंगे, तो सर ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये लंबी लंबी लाइनें, कतारें, ड्राइवर परेशान, लोग परेशान, लंबे लंबे जाम, ट्रक वाले तो परेशान होते ही है, जब हाईवे पे जाम लगता है कितने कितने लोग एम्बुलेंस से फंसती रहती है, कितना कितना देर जाम लगा रहता है, पुलिस वाला वहां पे कोई नहीं होता, पुलिस वाले कंप्लेंट करो तो सीधा पुलिस वाला उल्टा तुम्हारे पे ही ब्लेम करेगा, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पे ही कोई ना कोई एलिगेशन लगा के भैया तुम्हारे पे कोई धारा में केस लगा देंगे, कोई भी आदमी बेचारा चुप हो जाता है, क्योंकि क्या बोल सकता है जब पुलिस वाला उस पर दबाव डालने लग जाए, पुलिस वाले भी सीधी भाषा आरटीओ की ही बोलते हैं क्योंकि वहां से उनको मोटी पेमेंट आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन इसके बारे में आखिरकार बोल क्यों नहीं रही है, वो क्यों डांट रही है उन लोगों को और क्यों गुंडों को सपोर्ट कर रही है, इसके पीछे यही है कि कहीं ना कहीं तो ये बात समझ में आ रही है कि पुलिस प्रशासन के कुछ, मैं सभी को नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अगर कुछ ऐसे राज्य, मैं महाराष्ट्र राज्य की भी बात करूँ, बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी है जो काफी अच्छे समझदार है, समझते हैं लोकतंत्र को, समझते हैं कानून के ऊपर में पूरा भरोसा है और वे जनता के, देश के जनता के प्रति पूरी तरह से सजग है, अच्छा उनका कामकाज है, व्यवहार है। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं, पुलिस अधिकारी हैं जो पूरे सिस्टम को खोखला करने के पीछे में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में पूरी उनकी लिप्तता पाई गई है, हाथ मिला रहे गुंडों से, इसीलिए शहर में हो या देश में हो जिस प्रकार का ये जो एक बड़ा जो अराजकता जिसे कहते हैं, ये जो बड़े पैमाने पे जो उभर कर सामने आया है, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका के ऊपर में भी संदेह होना लाजमी है, जरूरी है। आखिरी में यही कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के आज के सेगमेंट का, ये आखिरी का प्रोग्राम। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे मेहमान गुरबीर सिंह गोरा साहब और राजेश पांडे जी दोनों मेहमान हैं, दोनों मेहमानों ने काफी अच्छी जानकारी दी और ये बताया कि किस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन लोगों का मतलब मात्र ये दो लोग नहीं बल्कि इनके जैसे कई ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों पूरे भारत वर्ष में जितने जो व्यवसाय, जो ट्रांसपोर्ट का कामकाज करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, जो मालिक है उनके साथ, उनके साथ में जो एक्सप्लॉयटेशन जो किया जा रहा है, जो एक सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है और मात्र पैसा 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 के लिए जो इन्हें लूटते हुए ये लोग जो नजर आ रहे हैं, ये काफी खतरनाक लोग हैं। इनके ऊपर में अंकुश लगाना ये सरकार का काम है, सरकार का काम है, सरकार का काम है। दर्शकों अगली बार फिर किसी नए टॉपिक को लेके हम आपसे फिर से रूबरू होंगे ट्रांसपोर्ट के इस कामकाज में, इस कार्यक्रम में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देखिए आपका अपना ये बेहतरीन सा प्रोग्राम। मैं फिर से एक बार मेरे दोनों मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। फिर मिलेंगे मेरे साथियों फिर किसी नए प्रोग्राम में। जय हिंद। जय हिंद सर। रजत भाई उधर से बंद करने को बोलो उनको।